नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। देश में 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा नए केस, 1,500 से ज्यादा मरीजों की गई जान, 1,38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस 2021 अप्रैल की परीक्षा स्थगित की। परीक्षा के 2 सेशन फरवरी और मार्च में हो चुके हैं। छात्रों और अभिभावकों की मांग के चलते एनटीए ने 10 दिन पहले परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक होनी थी, 15 दिन पहले परीक्षा की डेट की जाएगी घोषित। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए केस, 419 मरीजों ने तोड़ा दम, जबकि 56,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 24,374 नए केस, इसके अलावा 167 लोगों की मौत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन, संक्रमण बढ़ रहा है फिर भी लोग घरों से बेवजह बाहर निकल रहे हैं, पुलिस अब और भी ज्यादा सख्त है। शनिवार को पुलिस ने बेवजह घरों से निकलने वाले 2,250 लोगों के चालान काटे, 247 लोगों को गिरफ्तार किया और 247 लोगों के खिलाफ कोरोना के नियम तोड़ने के आरोप में FIR दर्ज की। केजरीवाल सरकार ने हरिद्वार कुंभ से दिल्ली लौटने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि अगर आप 4 अप्रैल से लेकर अभी तक कुंभ गए हैं या फिर 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ जा रहे हैं तो सरकार की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करें। यूपी में आज टोटल लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन शनिवार रात 8 बजे से शुरू हुआ और सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह घरों से निकलने की इजाजत नहीं है। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसकी वजह से 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। डीन ने कहा कि सिर्फ गंभीर मरीजों को ही ऑक्सीजन दी जा रही है। हरियाणा में कोरोना के अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। अभी तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, 24 घंटे में 7,717 नए केस मिले तो 32 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए। गुरुग्राम में 2,549 नए मरीज मिले, 2 मरीजों की मौत हो गई। एक्टिव केस की संख्या 38,000 से ज्यादा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बना जिसने सबसे पहले कोरोना काल में स्कूल खोलने का काम किया। कोरोना का खतरा बहुत बढ़ गया था, इसीलिए स्कूल बंद करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों से हमारी सरकार बात करने को तैयार है, अगर वो चाहें तो बात कर सकते हैं, लेकिन कानून खत्म करने की शर्त नहीं चलेगी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में बनी पुलिस चौकी का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान एसीपी और बाकी पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों को कोरोना को देखते हुए धरने को जनहित में खत्म कर देना चाहिए। धरना तो दोबारा भी हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं मिलेगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार लगातार किसानों से निवेदन कर रही है कि मसले पर बातचीत की जाए, सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज बढ़ रहे हैं। पूरी दिल्ली में आईसीयू के 100 से भी कम बेड बचे हैं। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की भी कमी काफी है। हम लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में हैं, उनसे मदद मिल रही है, अमित शाह से भी बात हुई है। दिल्ली में केंद्र सरकार के कुल मिलाकर 10,000 बेड हैं, जिसमें से अभी करीब 1,800 बेड ही कोरोना के लिए रिजर्व हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारा निवेदन है कि कम से कम 7,000 बेड कोरोना के लिए रिजर्व करें। केजरीवाल ने कहा कि अगले 2-3 दिन में 6,000 ऑक्सीजन बेड हम तैयार कर लेंगे। कई सारे अस्पतालों में हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है।
गुरुग्राम में कुछ लोग महामारी के समय में भी कालाबाजारी कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। गुरुग्राम के ड्रग विभाग ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा, पूछताछ में पुलिस जुटी है। आरोपी गुरुग्राम में इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेच रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इससे पहले भी ये 3 से 4 बार इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुके हैं। पानीपत में सरकारी अस्पताल का वीडियो सामने आया। गर्भवती महिला अस्पताल के गेट के बाहर दर्द से तड़प रही थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे देखने तक नहीं आया। गर्भवती महिला को अस्पताल के अंदर तक एडमिट नहीं किया गया। गर्भवती महिला जमीन पर लेटी रही, दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसके सुनने वाला कोई नहीं था। जच्चा बच्चा केंद्र के बाहर ही डिलीवर हुए। भवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 3 युवकों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने पहले रॉड से युवक के सिर पर चोट की, फिर उसके बाद फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी ने बताया कि उनके पास ट्रीटमेंट प्लांट के चौकीदार का फोन आया था। ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले 4 युवक झगड़ा कर रहे थे। गेहूं खरीद को लेकर कुछ जगह खरीद में कालाबाजारी का खेल चल रहा है। गेहूं की इस कालाबाजारी के खेल में किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से उत्तर प्रदेश का गेहूं कोसली मंडी में पहुंच रहा है। एक समाजसेवी का सूचना पर आज खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 6 से 7 ट्रक गेहूं से भरे पकड़े गए हैं। फरीदाबाद के गांव मच्छगर के लोग नालियों में हो रहे जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव मच्छगर नगर निगम में शामिल किया जा चुका है, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी कम नहीं हो रही। समस्याओं के समाधान के लिए ना तो नगर निगम कुछ कर पा रहा है, ना ही पंचायत विभाग। ग्रामीणों का आरोप है कि जब पंचायत के अधीन गांव था तो तालाब में ओवरफ्लो होने वाले पानी को मोटर लगवाकर निकाल दिया जाता था, लेकिन अब गांव में नगर निगम में आने के बाद निगम के अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। झज्जर के गांव में बीती देर शाम एक व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र ईश्वर निवासी रूडियावास के रूप में हुई है। मृतक ईश्वर अपने घर जा रहा था, इसी दौरान गांव में बीच रास्ते में उसका विवाद हो गया। आरोप है कि इसी विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया। झज्जर के गांव खेड़ी जट में एक प्रवासी मजदूर के ट्रैक्टर से नीचे गिरने से मौत हो गई। मृतक की रामपुर बिहार का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार मृतक गूगल झज्जर क्षेत्र में टूड़ी भरपाई के लिए काम करता था। इस मेहनत मजदूरी के चलते वे गांवों में खेड़ी जट से ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचता था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, जिसका असर फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान की माने तो वाहन चालकों पर जरूरी सेवा से संबंधित पास, हवाई अड्डे की टिकट, रेलवे स्टेशन की टिकट और परीक्षाओं से संबंधित प्रवेश पत्र के अलावा इमरजेंसी वाले लोगों को ही पूरी तरह से जाने की अनुमति दी जा रही है। चरखी दादरी में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हुआ है और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बनाई गई टीम शहर में मास्क पहनने वालों के चालान काटेगी। दादरी जिला एक्टिव केसों के मामले में 4थे नंबर पर है और येलो जोन में भी है। सोनाकोट में कोरोना का कहर, कोरोना से बार एसोसिएशन के पूर्व बार सचिव की मौत हो गई। 2 दिन पहले पूर्व सचिव बीमार थे। नाइट कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए सोनीपत पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान किए गए और नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी गई। डीएसपी ने जनता से अपील की कि नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग बेवजह घरों से बाहर न निकले, नहीं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने नंदीशाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नंदीशाला को 300 क्विंटल सूखा चारा दिया ताकि पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध रहे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल कटाई का मौसम है, वो कटाई से इकट्ठे हुए अनाज का कुछ हिस्सा अपने नजदीक के नंदीशाला में दें। रिथला में विधायक नयनपाल रावत ने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरपंचों से सुझाव लिए। कहा कि मुख्यमंत्री के दिए गए 5 करोड़ रुपयों में से विकास कार्य करवाए जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर नयनपाल रावत ने कहा कि जनहित में किसानों को धरना खत्म कर देना चाहिए। कोर्ट और सरकार ने पहले ही कानूनों को 1.5 साल के लिए होल्ड कर दिया है। डबवालिया अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों के बीच बवाल हुआ। किसानों ने आढ़तियों के सामने गेहूं से भरे बैग का वजन करवाया तो आधा किलो गेहूं ज्यादा मिला। किसानों की शिकायत पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव की मौजूदगी में उठान के लिए तैयार बैग की जांच करवाई तो वजन ज्यादा मिला। एसडीएम ने मार्केट कमेटी सचिव को मामले की जांच के आदेश दिए। कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक अनाज मंडी से गेहूं का एक दाना भी बाहर नहीं जाएगा। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो लगभग 6 साल से दवाओं की सप्लाई का काम करता है और पिछले 1 साल से उसका लाइसेंस खत्म होने के बाद भी इस काम में लगा हुआ था। सिरसा में कोरोना के चलते लॉकडाउन में परिवार के सामने आर्थिक समस्या पैदा हुई तो गांव मोहम्मदपुरिया में 3 महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर खुद का रोजगार शुरू कर दिया। महिलाओं ने गांव में चप्पल बनाने के लिए लघु उद्योग स्थापित किया। फैक्ट्री स्थापित करने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उन्होंने 1.5 लाख रुपए का लोन सरकार से लिया। कैथल के अनाज मंडी में खरीद बंद रहने और मौसम खराब होने के बाद भी उठान में कोई तेजी नहीं आई। खरीद का करीब 78% गेहूं अब मंडियों में ही पड़ा है। शहर की 3 अनाज मंडियों में नाम मात्र उठान हो पाया है। अतिरिक्त अनाज मंडी में खरीद के बाद गेहूं के लाखों कट्टे खुले में पड़े हैं। पूर्व सीएम उपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। भिवानी में पुलिस ने बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले लोगों के चालान काटने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी किया। जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हुए थे या सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे उनके भी चालान काटे गए। चेतावनी दी गई, अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया गया तो वाहन इंपाउंड कर दिया जाएगा। बारदाने की शॉर्टेज और लिफ्टिंग में देरी के कारण गेहूं के सीजन में मंडी व्यवस्था ठप हो गई है। घरौंडा में विधायक और अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में आढ़तियों ने समस्याएं रखी। विधायक ने आश्वासन दिया कि बारदाने की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आढ़तियों ने कहा कि बारदाने की कमी के कारण मंडी में अनाज के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में पिछले 3 महीने से चल रहे शमशान घाट के बनने में विरोध में धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। विधायक सुधीर सिंगला और सांसद राव इंद्रजीत सिंह की अपील के बाद धरना खत्म किया गया। वजीराबाद में पिछले काफी समय से गांव की जमीन पर बनने वाले शमशान घाट का विरोध लोग कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि रिहायशी इलाके में शमशान घाट बनने से लोगों को परेशानी होगी। झज्जर में खेत में काम करने के दौरान ट्रैक्टर चालक पर आसमानी बिजली का कहर बनकर टूटा। आसमानी बिजली गिरने से पंजाब निवासी ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब खराब मौसम के दौरान ट्रैक्टर चालक पानी पीने के लिए खेत में ही लगे हैंडपंप पर गया। इसी दौरान आसमान बिजली उस पर गिर गई। बैग की कमी होने के चलते 2 दिन के लिए किसानों की फसल की खरीद बंद कर दी गई है। इस दौरान पहले से ही किसानों की फसल को पैक कर दिया गया है।
मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना है कि बैग का इंतजाम फूड एंड सप्लाई विभाग की तरफ से किया जाता है और उनकी लापरवाही के चलते ही भरपूर मात्रा में बैग नहीं पहुंच पाए। सीमा विवाद में यूपी के किसान की मौत मामले में बीजेपी जिला पार्षद और चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में पार्षद समेत 17 पर केस दर्ज हुए हैं। सीमा विवाद में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच हुए खूनी संघर्ष में बागपत के बैलोलपुर के किसान की मौत हो गई थी। गोली मारने के आरोप सोनीपत के गांव खुर्रमपुर के किसानों पर लगा था। पानीपत में डीसी ने मंडी में गेहूं उठान में लापरवाही करने वाले ठेकेदार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कहा कि अगर 24 घंटे में फसल का उठान नहीं हुआ तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डीसी ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी आढ़तियों की समस्याएं भी सुनी, जिस पर आढ़तियों ने मंडी में सबसे बड़ी समस्या गेहूं का उठान बताया। गुरुग्राम में 30 वर्षीय युवक का शव मिला। युवक की पहचान सोनीपत निवासी के तौर पर हुई। युवक कैब चलाता था और शीतला कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। करनाल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों को ट्रॉलियों यूपी से करनाल सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, जिसके चलते किसानों ने जाम लगा दिया। मंडी में शनिवार और रविवार दो दिन गेहूं के उठान चलते खरीद नहीं होने वाली। ऐसे में प्रशासन भी किसानों से अपील कर रहा है कि वे मंडी में सोमवार को गेहूं लेकर आए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि बारिश आ गई है तो उसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बरवाला अनाज मंडी में पहुंचकर किसानों से मुलाकात कर फसल बेचने में आ रही परेशानियों को जाना। किसानों ने उनको बताया कि जब से वे मंडियों में अपनी फसल लेकर आए हैं उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से न पर्याप्त व्यवस्था है न ही बारदाने की व्यवस्था है। उद्या ने कहा कि किसानों को गेहूं डालने के लिए मंडी में जगह नहीं मिल पा रहा है। गेहूं की खरीद और उठान ही नहीं पेमेंट में भी देरी हो रही है। कोरोना को लेकर बनाई गई स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी। कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम, चीफ सेक्रेटरी समेत सरकार के सभी शीर्ष अधिकारी शामिल किए गए। सोमवार को 3 बजे स्टेट लेवल कमेटी की पहली बैठक होगी। झज्जर के बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पानीपत पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। चोरी के 8 डंफर हुए बरामद। आरोपी ने चोरी के सभी डंफरों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मिट्टी और रेत ढोने का काम करता था। पकड़े गए आरोपी की पहचान संदीप पुत्र वीरेंद्र निवासी तामशाबाद सनौली पानीपत के रूप में हुई। आरोपी को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगाने के लिए विशेष अभियान के तहत स्थानीय डबवाली रोड स्थित कपास मंडी में कैंप का आयोजन किया गया। वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगवाए थे। यह अभियान 1824 और 25 अप्रैल को सुबह 10 से शाम 8:05 बजे तक की गई। फतेहाबाद में बहन से छेड़छाड़ कर लेकर भाई ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। 3 अप्रैल को फतेहाबाद के गांव नेहला में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। हत्या के आरोपी 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि आज का समय चुनौती भरा है। आबादी दिनों दिन बढ़ रही है और अत्यधिक संसाधनों के दोहन के कारण हमारे पास सीमित संसाधन है। उन्होंने कहा कि अब से विश्वविद्यालय का लक्ष्य होगा कि सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए उपज बढ़ाने वाली फसलों पर जोर दिया जाए।
कोरोना से गहराते संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना से खराब हालात के ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में 1200 से 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, स्थिति आपात है और ऐसे में एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में साधुओं संतों और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। कई अखाड़े पहले ही कुंभ से वापसी की घोषणा कर चुके हैं। अब पीएम मोदी ने लिखा ट्वीट कर कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना, सभी संतगढ़ प्रशासन से हर तरह का सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने लिखा कि मैंने प्रार्थना की है कि दो शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे संकट से लड़ाई को ताकत मिलेगी। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट में जमानत मिल गई है। पिछली सुनवाई में दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट के सामने सिद्धू पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वकील ने कहा कि किसान ट्रैक्टर परेड के लिए किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था। दीप सिद्धू तो किसान यूनियन का सदस्य भी नहीं है, तो सरकारी वकील ने कहा कि दीप सिद्धू के लाल किला पहुंचने बाद ही पुलिस पर हमला हुआ। सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपी और उसके साथियों का इरादा भारत को बदनाम करने का था, उनका एजेंडा ही केवल लाल किला जाना था।